नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोरा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर। 10 नवंबर को पड़ने जा रहा है धनतेरस का त्यौहार। धनतेरस है धन बढ़ाने वाला त्यौहार, आपको निरोगता प्रदान करने वाला त्यौहार। इस दिन धनवंतरी जी की पूजा की जाती है और साथ ही लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो आप सबके लिए कैसा गुड लक लेकर आएगा ये त्यौहार, तो आपके सन साइन के हिसाब से चलिए मैंने सोचा कि चलिए टैरो कार्ड से जानते हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये। तो एरिस की मैं सबसे पहले कार्ड्स देखती हूँ। तो आपका जो सन साइन आपकी जन्म तिथि के अनुसार है, आप उस हिसाब से अपनी राशि देखिए और देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये त्यौहार। तो सबसे पहले एरिस के लिए धनतेरस कैसा रहेगा, तो एरिस राशि वालों के लिए निकल कर आया है टेम्परेंस का कार्ड। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है और ये कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर किसी से मन मुटाव है तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई भी ऊंच नीच चल रही है, सब बैलेंस हो जाएगी। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिखाता है और वो किसी भी तरह की जो इम्बैलेंसेस ज़िंदगी में चल रहे थे उनका जो है ना बैलेंस होना दिखाता है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। चलिए अब दूसरी राशि का रुख करते हैं। आप टॉरस की बात की जाए तो टॉरस के लिए निकल कर आता है बहुत अच्छा कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सक्सेस दिखाता है, किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वाहन खरीदने का योग बनता है और ये कार्ड ये भी बताता है कि दूरस्त स्थान से आपको मिलेगा बहुत शुभ संदेश। अब जेमिनी की बात कर ली जाए तो जेमिनी के लिए ये है कार्ड। तो जेमिनी के लिए निकल कर आता है द जजमेंट का कार्ड। ये जजमेंट का कार्ड बहुत ही विचित्र कार्ड है। ये कार्ड मुझे जब भी कार्ड निकलता है कुछ अलग ही इंट्यूशन होती है। तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले, आपके लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कोई नई बिगनिंग ऐसी होने वाली है कि आपको जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म, ऐसा कुछ आप अचानक होगा कि जैसे फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेज होता है ना, वैसे ही कुछ अचानक प्रकट होगा और आप देखिएगा कि कैसे सब कुछ बदल जाएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब जैसे नेम फेम का समय भी आ गया है, काफ़ी अच्छा है ये। अगली कार्ड की अगर मैं अगली कार्ड की तरफ मैं रुक करूँ तो अगला कार्ड ये है कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। ये कार्ड है व्यस्तता का कार्ड। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इंडिकेशन देता हुआ कि आप रहेंगे काफ़ी व्यस्त, आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहेंगे। तो धनतेरस आपको बिज़ी करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो आप कुछ अर्न भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लर्न भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा धनतेरस आप लोगों के लिए। अब सिंह राशि की बात कर ली जाए तो सिंह राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आया। सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। आप सभी राशियों के लिए अच्छे कार्ड्स निकल कर आए। सिंह राशि के लिए एक क्रिएटिव कार्ड निकल कर आया है, नया काम शुरू होने का कार्ड है। नया काम शुरू करना चाहते थे तो ज़रूर कीजिए, नए प्रोजेक्ट का शुरू करना चाहते थे ज़रूर कीजिए, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे तो वो भी कीजिए, नया रिश्ता जोड़ना चाहते थे तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा। तो ओवरऑल देखा जाए तो धनतेरस लकी है आप लोगों के लिए, तो धनतेरस पे करिए ऐसी शुरुआत। अगली राशि की बात कर ली जाए तो अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए निकल कर आया है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसी इंडिकेशन, देखिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स इस हॉर्स पे ट्रैवल कर रहा है। देखिए पहली बात तो ये कार्ड जब भी निकलता है ये किसी ना किसी तरह की सूचना देता है आपको। तो लेकिन मुझे जो ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कुछ बदलाव का समय है, कुछ ऐसा चेंज जो कि आप काफ़ी समय से चाहते थे। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि रीलोकेशन हो जाए और आप लोग जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकती है, ऐसा किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो बहुत फ़न लविंग हो, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट दे रहा है। तो धनतेरस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रही हूँ आपके सन साइन के अनुसार। अगली राशि का अब देखते हैं हम कैसा रहेगा ये धनतेरस का लक आपके लिए लिब्रा के लिए। तो लिब्रा के लिए निकल कर आया है द चैरियट का कार्ड। ये है आपकी विक्ट्री का कार्ड यानी कि जीत निश्चित है, बस आपको आगे एफर्ट मतलब करना है कि आपको किसी भी तरह से प्रयास करने हैं। ये कार्ड ये बताता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नियंत्रण में नहीं आ रही थी बहुत समय से, अब आप उसे नियंत्रित कर लेंगे, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये कार्ड है इस धनतेरस पे। देखिए वृश्चिक राशि के लिए निकल कर आया है ये कार्ड। वृश्चिक राशि के लिए ये मैरिज का कार्ड है। अगेन मैं बहुत हैरान हूँ, बोले ये कार्ड दो चीज़ें इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों के लिए, एक तो कि आपकी मैरिज हो सकती है
है। दूसरा ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की कंपनी में कोई धूम्रपान या कोई अल्कोहल का इंटेक ना करें जो आपके लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम का कारण बने। अगली राशि का बात करा जाए तो अब है हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। तो सेजिटेरियस के लिए ये कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए बहुत शुभ कार्ड है आपके लिए। देखिए घर में रेनोवेशन वगैरह कराने के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में अरेंज्ड मैरिज का योग बनता है। बहुत अच्छा कुछ ऐसा आयोजन हो सकता है कि घर के सारे लोग आपकी सक्सेस को एंजॉय करें। करियर में एक अच्छी लिफ्ट मिल सकती है आपको, तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। अब हम अगली राशि की बात करते हैं। तो अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो ये है मकर राशि का कार्ड। मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया जो बताता है कि थोड़ा सा अपसेटिंग कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी से बहस हो सकती है या कोई तीखे तर्रार शब्द आपसे यूज कर सकता है, लेकिन ऐसे में आपको संयम से काम लेना होगा। अगली राशि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको देता है जॉब का इंडिकेशन। कोई ऐसा इंटरव्यू कॉल आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, आपने कहीं अप्लाई किया था, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस से या वर्क से रिलेटेड मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके लिए जैसे लॉन्ग अवेटेड टाइप की होती है ना, ऐसी जिसका काफ़ी समय से आपको इंतज़ार है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो धनतेरस आपके लिए अच्छी लक ला रहा है। तो अब आखिरी राशि का रुख कर लेते हैं। तो पाइसिस यानी कि मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि के लिए चलिए ये कार्ड निकला। मीन राशि के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए, ये कार्ड क्लियरली ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। किसी चीज़ की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, तो अभी आपको थोड़ा धीरज से काम लेना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, तो वही आपके लिए पेशेंस ही आपके लिए की टू सक्सेस होगा। काम आपका ज़रूर होगा जो आप जिसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपको इंतज़ार है। नेगेटिव नहीं है ये कार्ड, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये था आप सभी राशियों के लिए ये धनतेरस क्या लक लेकर आ रहा है ये बताते हुए कार्ड। तो आप सबके लिए जनरली बहुत ही अच्छी लक के लिए कार्ड निकल कर, मुझे लगता है धनतेरस शायद आप सभी राशियों के लिए बहुत ही लकी है। तो आपके लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि धनतेरस में आपके धन में वृद्धि हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, भगवान धन्वंतरी की आप पे असीम कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी कृपा बनी रहे, कुबेर को आपके घर में स्थान मिले। तो आप सबको दीपावली की शुभकामनाएँ, धनतेरस की शुभकामनाएँ।